दिल्ली में नियमों के उल्लंघन के चलते दिल्ली की सरकार ने ओला, उबर और रैपिडो की बाइक सर्विस बंद करने का आदेश जारी किया है। इसके तहत दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से सर्कुलर जारी कर बाइक पर सवारी होने वाले लोगों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है और दिल्ली सरकार ने नोटिस जारी करते हुए ये भी कहा है कि आदेश को न मानने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ उनका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि इस मामले को लेकर आम लोगों का कहना है कि बाइक सर्विस की वजह से उनका समय और पैसे दोनों की बचत होती थी। देखिए, दिल्ली सरकार का बहुत गलत फैसला है क्योंकि आम आदमी है जो वो जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है ऑफिस, और उसके लिए वो रिपेटो वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ करता है क्योंकि फोर व्हीलर दिल्ली के अंदर जाम होता है, जल्दी से फंस जाती है, तो वो जल्दी अपने ऑफिस में पहुंच भी नहीं पाएगा और उससे जो आम आदमी की जेब है उस पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो कम पैसे में टाइम से पहुँचने की कोशिश करते हैं। अब वो नहीं पहुँच पाएंगे तो उससे ऑफिस में भी दिक्कतें होती हैं और ड्यूटी छूटती है लोगों की, उससे बहुत परेशानी होती है।